दोस्तों एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं बोल रहा हूँ बीरबल धाकड़। आज हम लोग पढ़ेंगे खरीफ की फसलों में क्या मूंग की खेती। क्या पढ़ेंगे? मूंग की खेती। तो मूंग की खेती के बारे में देखेंगे। मूंग की खेती के बारे में तो जानते ही होंगे, संक्रांति पे मंगड़े बनते हैं हरी हरी वाली दाल से, वही वाले है ना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, तो 12th एग्रीकल्चर में खरीफ की फसलों के वर्णन करेंगे। तो मूंग की ग्रीन ग्राम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम, है ना। तो ग्रीन ग्राम की वर्णन अपन करेंगे। तो मूंग की खेती का वर्णन करो, ऐसे प्रश्न आएगा कहाँ? 12वीं में। तो हम लोग इसको हेडिंग के अनुसार क्रम वाइज करेंगे। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, सेम टू सेम आपको करना है, उसे उतार लेना नोट्स में, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और साफ साफ कह रहा हूँ मैं स्पष्टली कि जैसे जैसे मैं हेडिंग डालता जा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही नोट्स में हेडिंग डालते जाएं। वैसे तो नोट्स में सब लिखा हुआ है, फिर भी आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप फेयर बना लें। क्या बनाना है? फेयर बना लें इसकी। तो विग्ना रेडिएटा दिया हुआ है ना। तो आज हम बात करेंगे वानस्पति का नाम सबसे पहले आता है, यानी इसका बॉटनी का नेम क्या है। तो इसका बॉटनी का नेम है विग्ना रेडिएटा। क्या है? विग्ना रेडिएटा। विग्ना मूंगो नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आता है कुल, यह है लेगुमिनेसी है। लेगुमिनेसी क्यों कहते हैं ये आपको मैंने सोयाबीन की खेती में बता दिया है, नहीं है तो मैं फिर बताता हूँ। और इसके बाद आता है इसका महत्व, अर्थात ये मूंग हमारे क्या काम आती है। तो ये मूंग हमारे काम आती है, उसको लगेंगे कि मूंग क्या है। तो इसका वानस्पतिक भाग, क्या इसका वानस्पतिक भाग, क्या इसका वानस्पतिक भाग पशुओं को खिलाने में आता है। पशुओं को खिलाने में, किसमें? पशुओं को खिलाने में काम आता है, काम आता है, सही है। तो इसका जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो अपन लोग पशुओं को दे सकते हैं और उनसे पशु अपना पेट भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लेगुमिनेसी की मूंग है, उसका वानस्पतिक भाग पशुओं को खिलाने के काम आता है। दूसरा हम इसका बात कर सकते हैं, मूंग हरी खाद में, किसमें? हरी खाद में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारे सामने, इसकी जड़ों में, क्या है? इसकी जड़ों में, इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है? जड़ों में राइजोबियम, क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करता है। तो इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करता है और उसके बाद पौधे को मिलता है। दूसरी बात, दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में मूंग का, कहेगा मूंग का विशेष महत्व है। क्या है? विशेष महत्व है, अर्थात इसे बीमार लोगों के लिए या बरी बनाकर खिलाने में काम आता है, या बीमार लोगों को इसकी दाल की डॉक्टर अनुशंसा करते हैं। ठीक है, इसकी दाल में, इसमें इसकी दाल में लगभग 24 से 26% तक प्रोटीन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। क्या होता है? पाई जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर इतनी प्रोटीन मिलती है। हमने जितनी बातें इसमें करी हैं इम्पोर्टेंस में, आप उतनी सी बातें लिख दो, आपका इम्पोर्टेंस क्लियर हुआ। क्या हुआ? क्लियर हुआ। फिर से रिपीट करें कि इसका वनस्पति भाग, क्या अपन मूंग को पशु के आंगन डालेंगे तो खाएगा या नहीं? बोलो हाँ खाएगा। बात खत्म। दूसरी बात आती है ये हमारे सामने कि हरी खाद का, जब खड़ी फसल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैक्टर चला देंगे तो हरी खाद भी बन जाएगा। इसकी जड़ों में क्या पाया जाए, राइजोबियम। यह पौधे को क्या देगा, नाइट्रोजन, और क्या होगा, पौधे की वृद्धि होगी। पौधा इसको क्या देगा, भोजन देगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही वाली जो डायलॉग है वो इसमें काम आएगा, सुभाष चंद्र बोस वाला, कि तुम मुझे नाइट्रोजन दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, क्या दूंगा, भोजन। दलहनी फसलों में मूंग का विशेष महत्व है। इसकी दाल बीमारी में भी काम आती है, इसके पापड़ भी बनते हैं, इसकी बरी भी बनती है, दाल की सब्जी भी बनती है, चावल के साथ खाइए, है ना। इसमें 24 से 26% अर्थात 24, 25 या 26% के एवरेज में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या, बुवाई का समय। तो बुवाई का समय तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा है कि खरीफ की फसलें हैं, तो खरीफ का मौसम कह सकते हैं। खरीफ का कम मौसम यानी बरसात के समय में। बरसात का समय कब आता है, जून जुलाई में। तो ये तो बहुत सिंपल काम है हमारे लिए, बहुत चुटकियों में लिख देंगे इसको तो, ठीक है। अब आता है पांचवा पॉइंट कि मृदा एवं मृदा की तैयारी। तो अब मूंग के लिए क्या नाम है, मूंग के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो हम बताएंगे दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है ना, जिसमें अच्छा जल निकास हो, कार्बनिक खाद अच्छे से मिला होना चाहिए। दोबारा मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, मूंग के लिए। अब आता है हमारे सामने मृदा की तैयारी। तो मृदा की तैयारी के लिए 2 से 3 जुताई किससे करेंगे, मिट्टी पलटने वाले हल से, यानी मोल्ड बोल्ड हल से करेंगे। इससे क्या होगा, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो एक समान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि निचली सतह में ज़्यादा हैं ऊपरी में कम है, या ऊपरी में ज़्यादा हैं निचली में कम है, तो वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये हल होते हैं मिट्टी पलटने वाले, ऐसे नीचे जाएंगे और मिट्टी को लेके ऐसे पलट देते हैं, तो क्या होगा, फिर पाटा लगाएंगे तो मिक्सर बन जाएगा। तो पोषक तत्व पूरे पौधे को एक समान होते हैं, इसलिए जुताई क्या करना चाहिए, 2 से 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। क्या करें, मिट्टी पलटने वाले हल से करें, और पाटा लगाकर क्या करें, समतल करें। समतल करने से क्या होगा, बुवाई में सुविधा होगी, अर्थात बीज सही दूरी पर, गहराई पर निश्चित में जाएगा। ये नहीं है कि कोई जब यदि पाटा नहीं लगाएंगे तो किसी रो में नीचे चला जाएगा दाना, तो वो दब जाएगा, तो जर्मिनेशन परसेंट घट जाएगा। इसलिए पाटा लगाना जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो सीड ड्रिल है, बुवाई की जो मशीन है, उससे दाना निश्चित गहराई पर जाएगा। अब आता है प्रश्न कि हमें कौन सी किस्में बोना चाहिए। तो हमें किस्में कौन सी बोएंगे, पूसा वैशाली, खरगोन 1, जवाहर 45, गुजरात, ये लगभग प्रचलित वैरायटी हैं, इनका अपन ने वर्णन किया है। तो फिर से सुने कि पूसा वैशाली, खरगोन 1, जवाहर 45 और गुजरात, ये वैरायटियों का प्रयोग हम करेंगे तो हमारी उपज अच्छी होगी। क्या होगी, अच्छी होगी। इनको अपन लोग बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार कर सकते हैं। तो बीज उपचार की मैंने एक अलग से विधि बता दी है आपको कि बीज उपचार कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। एक पेड़ के छायादार के नीचे एक चादर बिछाएंगे, उस पर अपन लोग बीज रखेंगे और उस पर हम लोग कुछ पाउडर डालेंगे और चिपचिपा पदार्थ गुड़ या शक्कर का घोल डालेंगे, जिससे कि दाने पर पाउडर चिपक जाए। तो वो विधि आपको मैंने अगले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे मूंग की फसल जब खड़ी होगी तो बरसात के पानी की विशेष ज़रूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी यदि कहीं पानी नहीं बरसता है तो 1 या 2 सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब फसल खड़ी है तो कुछ रोग और कुछ कीट भी आ जाते हैं। तो उन कीट और रोगों में कौन कौन से रोग और कीट आएंगे, तो हम रोग और कीट में बात करेंगे। तो कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उकटा, जिसे हम लोग विल्ट के नाम से जानते हैं, है ना, विल्ट भी कह सकते हैं। तो विल्ट डिसीज़ में क्या होता है, पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। और सूखता क्यों है, क्योंकि उसकी जड़ों में एक फफूंद आ जाती है, और उस फफूंद का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक की फफूंद आ जाती है। और यह फफूंद क्या करती है, पानी को ऊपर जाने से रोक देती है। तो ये विल्ट आ जाता है। पीला मोज़ेक, पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। और मैं अभी आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा, इसमें वीडियो भी चलेगा, तो उसको भी देखें आप कि पीला मोज़ेक कैसे आता है। उसके बाद आती है जड़ सड़न। जड़ सड़न का मतलब है कहीं जब पानी भर जाए तो फसल की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है। लीफ स्पॉट, पत्तियों पर क्या होता है, पीले सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, वो लीफ स्पॉट, पत्ती पर धब्बे लीफ स्पॉट कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं कीट, कि इसके अंदर कीट कौन कौन से लगते हैं। तो आप देखते हैं बरसात में बहुत सारे कीट मूंग की उस पर लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे कि फली छेदक, अर्थात जो फली होती हैं उनमें छेद करके इल्ली इंट्री कर देती है और दाना को खा जाती है। तो उस प्रकार से हमारे सामने ये फली छेदक जो कीट है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। दूसरा आता है सफ़ेद मक्खी, जो कि पौधे पर बैठती है और अंडे देती है, सफ़ेद मक्खी। उसके बाद जैसिड, जैसिड का मतलब है कि आपने सुना होगा कि माहू आ जाता है, वैसे ही माहू ही है ये। तो वह क्या है, फूल पर आ जाता है और पूरे फूल का रस चूस लेता है, जिससे फलियां लगना बंद हो जाती हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्शन घट जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको रोग कीट ये बता दिए। तो रोगों से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, फफूंदी नाशी दवा से बीज उपचार करके बीजों को बोएंगे, वो नोट्स में सारे लिखे हुए हैं। दूसरा, कीटों के नियंत्रण के लिए हम लोग रोगर डाइटन जेटा, वो क्या नाम है, रोगर और मोनोक्रोटोफॉस, है ना, इन दवाओं का स्प्रे करें, 0.5% का स्प्रे कर सकते हैं। तो इल्लियाँ जैसे मर जाते हैं। अब आती है जब फसल हो भी गई है तो कितना उत्पादन होगा। तो ये उपज लिखी हुई है 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर लगभग निकल आती है। ये है खरीफ में, यदि हम जायद में करेंगे तो ये ज़्यादा भी निकल आती है। क्या है, ज़्यादा भी निकल सकती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जितना बीज डलता है, 12 से 15 किलो डला है तो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर डला, तो 12 से 15 क्विंटल निकल है। अर्थात इसका एक एवरेज याद रख सकते हैं कि मूंग 1 किलो दाने से 1 क्विंटल मूंग निकल सकती है। तो याद करने का तरीका है कि 12 से 15 के जो मूंग लगेगी तो 12 से 15 क्विंटल ही निकल आती है। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये पूरी मूंग की खेती बता दी है। और पेपर में आएगा तो ऐसे ही ऐसे छाम मारेंगे आप, दनादन आपके लिए बहुत बेहतरीन। आपको मैंने जितना लिखाया है मैंने इतना कर लेना, और बाकी पूरा नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। कोई चीज़ यदि रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।